अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितना बड़ा छलावा है वो इस बात से पता चलता है कि मोहम्मद शमी जैसे सेलिब्रिटी की पत्नी को भी किस नर्क से होकर गुजरना पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हंसी जहां की, जिनके आरोप वाकई चौंकाने वाले हैं, और उनके पति कौन है? मोहम्मद शमी, जो कि इस देश में क्रिकेट टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने आरोप क्या लगाए हैं? पत्नी हंसी जहां ने पति पर अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं, एक नहीं दो नहीं कई लड़कियों के साथ। आरोप जहां मैच होता था वहां की लड़की के साथ वो यौन संबंध स्थापित करते थे। आरोप रात भर लड़कियों से अश्लील चैट करते थे। शमी ने पत्नी के आरोपों को साजिश कहा है, हालांकि पत्नी जो है वो बाकायदा सबूतों के साथ सामने आई है। जी हां, पत्नी के आरोपों पर जवाब देते हुए कल रात शमी पहली बार कैमरे के सामने आए और खुद को बेकसूर बताया। शमी ने कहा कि सभी आरोप गलत हैं और उन्हें फंसाने की बड़ी साजिश की गई है। शमी ने कहा कि होली तक सब कुछ ठीक था, अचानक पत्नी हंसी जहां ने उन पर ऐसे आरोप क्यों लगा दिए? गाल पर गुलाल और चेहरा लाल लाल, साथ ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। अभी एक हफ्ते पहले यानी 1 मार्च की तो बात है, मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ होली खेली थी। पत्नी ने वो तस्वीरें फेसबुक पर शेयर भी की। वही तस्वीरें बारी बारी से दिखाकर मोहम्मद शमी अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बेवफा सनम नहीं है। देखो, जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने खुद ने ही होली की पिक्चर पोस्ट की है, और मेरे साउथ अफ्रीका के आने बाद हम लोगों ने शॉपिंग भी साथ में की है, हम लोग होली साथ में मनाया, उसके बाद मैं धर्मशाला चला गया हूँ। सडनली ये केस हुआ है, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब तक मैं जान नहीं लूंगा तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजों को बैकफुट पर ले जाकर क्लीन बोल्ड करने वाले मोहम्मद शमी आज मोहब्बत की पिच पर खुद बैकफुट पर खड़े हैं। शमी के बयान के बाद उनकी पत्नी ने उन लड़कियों की फोटो और सारी अंतरंग चैट को फेसबुक से डिलीट कर दिया, लेकिन सबूत के तौर पर पत्नी हंसी जहां ने उन चैट्स के स्क्रीनशॉट प्रिंट करा कर रख लिए हैं। इन्हीं चैट्स के जरिए पत्नी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। साउथ अफ्रीका से दुबई में आके रहना, होटल बुक करना, पाकिस्तान लड़की को बुलाना, उसके साथ रूम शेयर करना, उसके साथ सेक्स करना, ये सब सारे प्रूफ देकर, और उसके बाद भी मैंने अपने आप को बैलेंस में रखा, पेशेंस में रखा, और मैंने शमी से ये पूछा कि ये क्या है, तो वो झूठ पे झूठ बोलता गया। पत्नी हंसी जहां की माने तो मोहम्मद शमी बेवफा सनम है। आरोप है कि वो ना सिर्फ लड़कियों से अंतरंग बातें करते बल्कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे, और इसके लिए वो अलग अलग जगह पर होटल बुक किया करते थे। लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद शमी इन बातों से इनकार कर रहे हैं और वो अपने रिश्ते को पटरी पर लाने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, मेरी 2-3 बार उनसे बात हुई है। मैंने हसीन से भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया, तो मैंने फादर इन लॉ से बात की है। उन्होंने भी चलो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की है मुझसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व आउट होगी। जी, मैं अपने साइड से पूरा जैसे मैं पहले था वैसे मैं अभी भी हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। शमी भले ही सब कुछ ठीक करने की बात कर रहे हैं लेकिन रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि पत्नी हंसी जहां उनसे फोन पर बात तक नहीं कर रही है। पत्नी आरोप लगा रही है कि वो तो रिश्ता सुधारना चाहती है लेकिन शमी उन्हें धमकी देते हैं। मैं पैचअप तो वो गलती करा, पैचअप तो मैं करने की कोशिश कर रही थी इतने दिन कि तुम्हारे ये एविडेंस मुझे मिले हैं, तुमने ये गंदगी करी है, अपनी गलती मानो और मुझसे माफी मांगो और आइंदा ये सब नहीं करोगे। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो अब कानूनी लड़ाई के दौरान ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह के आरोप मोहम्मद शमी पर लग रहे हैं वो बेहद संगीन है। पत्नी ने आरोपों पर ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। घर की बात अगर घर में नहीं खत्म हुई तो कानूनी लड़ाई में पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा और शमी को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे में उनके क्रिकेट करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। शमी की शादी 2014 में हुई थी। शमी और हसीन जहां कोलकाता